पिछले 3 एपिसोड में सुर क्षेत्र में आए कई उतार चढ़ाव, कभी इंडिया ने लीड ली तो कभी पाकिस्तान ने बढ़त बनाई। इस जंग में शुरुआत से ही हिंदुस्तानी सुरंदाजों और पाकिस्तानी जांबाजों ने दिखाया अपना हुनर। आज के एपिसोड में पाकिस्तानी जांबाज गाएंगे आशा जी के गाने और हिंदुस्तानी सुरंदाज आबिदा जी के, और आज होगा सुर क्षेत्र का पहला एलिमिनेशन। दिल में एक डर भी है क्योंकि आज एलिमिनेशन का राउंड है और आज हमें से किसी एक को घर वापस जाना पड़ेगा। चेयर पे भी कोई बैठेगा तो वो हम पाकिस्तानियों में से ही होगा। पूरा भरोसा है अपनी मेहनत पर, ऊपर वाले पर, माँ बाप के आशीर्वाद पर। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला एलिमिनेशन इंडिया में से ही होगी। सारे लोग इस बात के गवाह होंगे कि इंडिया विल लीड एंड ऑफ पाकिस्तान। Shandeed Pakistan and welcome to Philips HD LED TV presents Sur Kshetra, powered by Dabur Amla Hair Oil. Sur Kshetra mein aaj ka din hai bahut bada, sachmuch bahut bada. Aaj ka show khatam hone se pehle wahan us chair par koi shaan se baitha hoga, koi Hindustani surandaz ya Pakistani jaanbaz. पिछले 3 एपिसोड्स के स्कोर को ऐड करके पाकिस्तान टीम का स्कोर था 450 और टीम इंडिया का 430। आज के एपिसोड के बाद जिस टीम के मार्क्स का टोटल कम होगा उसे अपने एक कंटेस्टेंट की कुर्बानी देनी होगी। सो आर यू रेडी टू फेस द हीट? कैप्टन आतिफ, पहला कंटेस्टेंट टीम पाकिस्तान से कौन होगा? मैं बुलाना चाहूंगा नदीम अब्बास को। पाकिस्तानी जांबाज नदीम अब्बास, कैप्टन आतिफ मुझ पे यकीन करते हैं और उन्हें मेरे सुरों पर भरोसा है और मैं ये भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगा। रोज रोज आँखों तले, रोज रोज आँखों तले, ला 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 ला, रोज रोज आँखों तले एक ही सपना चले, रात भर का जल जले आँखों में जिस तरह ख्वाब का दिया जले। कि मैं आपकी पोजीशन में नहीं हूँ या किसी कंटेस्टेंट की पोजीशन में नहीं हूँ आज, क्योंकि सारे पाकिस्तानी टीम के कंटेस्टेंट्स आशा जी के गाने गा रहे हैं और सारे इंडिया टीम के कंटेस्टेंट्स आबिदा जी के गाने गा रहे हैं, और ये सपने जैसा होगा आप सबके लिए डेफिनेटली। और ऑब्वियसली मेरे पास लव्स नहीं है कि मैं बता सकूं। आई वाज शिवरिंग, मैं कांप रहा था कि पता नहीं क्या होने वाला है। कैप्टन्स, इट वाज अ ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस, मुझे बहुत मजा आया। Very nice. Very nicely done. Thank you, sir. Captain Himesh ji, kya aapko laga ki ye performance 10 marks worthy the? Nahin, let the jury decide.
मुझे ऐसे लगा कि काफ़ी स्ट्रेट सिंगिंग है, उसमें कोई फीलिंग या इमोशन या रोमांस लव ये चीज़ें नहीं मिली मुझे, कुछ बात नहीं बनी। बहुत ही आराम से इन्होंने गाया है और तर्ज का भी रंग ऐसा ही है, कुछ बहुत अच्छा गाया। अब अपने स्टाइल से आपने गाया, बहुत अच्छा लगा और मैं आपको 10 दे रही हूँ। तो कैप्टन नदीम को 2 10 मिले हैं और 1 0 मिला है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सुर से कहीं अगर हिले हैं तो जरूर बताइए। सुर भी हिले थे और फील भी मुझे नहीं मिला। There was something lacking, there was something missing. ठीक। कुछ लगा मुझे कि गाने में और कुछ होना चाहिए था जो नहीं मिला मुझे। थैंक यू रिस्पेक्टेड जूरी, थैंक यू नदीम, गुड लक फॉर नेक्स्ट परफॉर्मेंस। तो कैप्टन हिमेश जी, हमारा पहला इंडियन कंटेस्टेंट कौन होगा? पहला इंडियन कंटेस्टेंट लेडी रॉक स्टार इंद्राणी। मैं हिंदुस्तानी सुरंदाज इंद्राणी अपने सुरों के दम पे ये मैं प्रूफ करके दिखा दूंगी कि अपना देश सुरों में सबसे आगे है। एक बस तू ही नहीं, एक बस तू ही नहीं, मुझसे खफा हो बस तू ही नहीं, एक बस तू ही नहीं, मुझसे खफा हो बैठा। मैंने जो कैप्टन से स्पेशली कि ऐसे लेजेंड्स के गाने यहाँ पर कंटेस्टेंट्स के लिए आकर रिपीट करना, परफॉर्म करना इज नॉट अ स्मॉल थिंग एट ऑल, बहुत बड़ी बात है। दैट हैज़ टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन, व्हाट से कैप्टन्स? बिल्कुल, इस बात को कंसीडरेशन तो लेना चाहिए, लेकिन जितना बड़ा अभिदा जी का नाम है और जिस तरह की ये परफॉर्मेंस है, बिल्कुल ये कोई इमिटेशन भी नहीं हो सकती उस चीज़ की जैसे उन्होंने गाया है। आपका गाना था ही नहीं, आप ओन नहीं कर सकेंगे इस गाने को। आई कैनॉट डिफेंड हर सिंगिंग इन दिस, नो वेज। करेक्ट, ओके, थैंक यू कैप्टन्स। रिस्पेक्टेड जूरी, ये गाना असल में उसकी पकड़ से बाहर था और बिल्कुल भी नहीं निभा पाई वो। मुझे ऐसा लगा कि जो हमारी गाने वाली इंद्राणी है, ये बहुत मॉडर्न और चुलबुले गाने गाली है, जिसको ताकत है आवाज़ में और वो रिदम के गाने, ऐसे गाने गाती है। गज़ल की गायकी एक अलग चीज़ है जो हर आदमी नहीं गा सकता, ये हर आदमी की सिर्फ गाने की नहीं होती। जजमेंट तो सिर्फ इसी बात पे होगी कि उन्होंने जरूर क्या गाया है, कोई तो डाउट ही नहीं। ये बहस मेरा ख्याल है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्या मार्क्स दिया जाए इंद्राणी को?
टोन लूज होप इंद्राणी, ये जैसे आपके कैप्टन ने कहा शायद आपके लिए नहीं था ये गाना. गुड लक फॉर योर नेक्स्ट परफॉर्मेंस. बहुत इम्पॉसिबल चीज़ कर रहे हैं दोनों कंटेस्टेंट्स, दोनों टीम के, हमारे पाकिस्तान के और इंडिया के. फिर भी कैप्टन आतिफ, मैं बुलाना चाहूँगा इमरान अली अख्तर. हाय, दिस इज इमरान अली अख्तर. मौसीकी में सबसे आगे है मेरा वतन और मैं इस चीज़ को साबित करके दिखाऊंगा. तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहां मैं हूँ वहां. अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा. ओ मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, ओ मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह. एक्सपर्ट नहीं हूँ मगर मुझे ये परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा लगा. कैप्टन, कैप्टन हिमेश जी, आशा जी का गाना है जी. और उस लेवल का गाना है जिसका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता. आशा जी और ज्यूरी जो ठीक समझे, आतिफ साहब जो ठीक समझे. आई थिंक मैं भी कोई ख़ास कोशिश नहीं करूँगा कुछ कहने की. मैं सीधा ही इस परफॉर्मेंस को जजेस की तरफ लेके जाना चाहता हूँ. मेरे पास जो अल्फाज हैं वो दीदी जी के लिए बहुत ही कम हैं. वो बयान से बाहर इनकी शख्सियत, इनका जो गाने का स्टाइल है, वो तो बच्चे कभी भी पहुंच ही नहीं सकते वहाँ पे. इनकी रसाई नहीं जी. बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि बहुत ही अच्छा इन्होंने गाया है. सच्ची बात यह है कि मुझे इतना मज़ा नहीं आया. आपने बहुत कोशिश की लेकिन आपने जो आगे गाया बहुत अच्छा था, लेकिन शुरू में सुर से गए. और मेहनत करो, नेक्स्ट एपिसोड में होपफुली विल बी गुड. थैंक यू कैप्टन आतिफ, थैंक यू. कैप्टन हिमेश जी, इंडिया के नेक्स्ट कंटेस्टेंट जो 10 मार्क्स ला सके, बंगाल टाइगर, शायद उस उम्मीद पे खरे उतरेंगे, ऐसी मेरी दुआ है और उम्मीद है. हाय, मैं हिंदुस्तानी सुरंदाज बुद्धादित्य. एक बुद्धा ने अपनी सीख पूरी दुनिया में फैलाई और मैं बुद्धा अपने देश का नाम अपने सुरों से पूरी दुनिया में रोशन करूंगा. जाया तेरे इश्क न
एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अर्ज करना चाहती हूँ ये जी कि बुजुर्गाने दीन का कलाम इस मंच से, हर मंच से हुआ है क्योंकि वो खुदा का मंच है और खुदा का कलाम है, जिसमें ये नहीं होना चाहिए, मैं जीरो नहीं देना चाहती इस कलाम को, मैं मेरी बात सुन लीजिए, तो ये कलाम तब आप गाइए जब आप इसकी रिहर्सल कीजिए। मेरा जो दिल और रूह जो है इन कलामों में जकड़ा हुआ है, ऐसे जैसे खुदा अंदर दिल में होता है, इस तरह से मेरा इनसे प्यार है और मैं बिल्कुल सह नहीं पाऊंगी कि हर कलाम में मैं ज़ीरो ज़ीरो देती रहूं। आप अपना मौजू चेंज कीजिए, आप फिल्मी गानों पे आ जाइए ना प्लीज़। गज बाबू, हम कुछ चेंज कर सकते हैं, कुछ गाने चेंज कर सकते हैं, फिल्मी सॉन्ग्स कर सकते हैं, बिकॉज मुझे एक बात ये नहीं ठीक लग रही कि दोनों कंटेस्टेंट्स के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं है, बिकॉज हमारे जो कंटेस्टेंट है वो फिल्मी गाने गा रहे हैं और आपके कंटेस्टेंट जो हैं वो सूफियाना कलाम गा रहे हैं, कुछ उसमें समझ नहीं आ रही। अगर तो आप चेंज कर सकें, बिकॉज मैं आबिदा जी को अपसेट करना अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं ऐसा कुछ आबिदा जी ने बुधादित्य के गाए हुए बुजुर्गानी दीन के कलाम को जज करने से इनकार कर दिया और उनके रिक्वेस्ट करने पर ज्यूरी और सुर क्षेत्र की टीम ने फैसला लिया कि इंडियन कंटेस्टेंट आबिदा जी के गानों के अलावा फिल्मी गाने भी गा सकते हैं। देखते हैं कि ज्यूरी ने आपको क्या मार्क्स दिया है। आई थिंक टाइगर आपने बहुत अच्छा गाया, मुझे बहुत पसंद आया और मैं आपको 10 देती हूँ मार्क। वाह, आशा जी ने आपको 10 पॉइंट दिए हैं। बुद्धा खूब भालो गए छो, हमें वो दीछी। थैंक यू रुना जी, 10 पॉइंट्स। लेकिन आशा जी ने आपको 10 और रुना जी ने आपको 10 पॉइंट्स दिए हैं। अबिदा जी ने इस राउंड में आपको मार्क्स नहीं दिए हैं। कैप्टन हिमेश जी कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, आगे बढ़ते हैं। ओके कैप्टन हिमेश जी, थैंक यू बुद्धा, गुड लक फॉर योर नेक्स्ट परफॉर्मेंस। फिलिप्स HD LED TV प्रेजेंट सुर्ख क्षेत्र पावर्ड बाय डाबर आमला हेयर ऑयल में अब मिलते हैं अगले जाबाज से। मैं बुलाना चाहूंगा सारा रजा खान को स्टेज पे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पाकिस्तान की जहांबाज सारा रजा खान और मुझे लगता है कि अपने गले से जितना ज़्यादा काम लिया जाए उतना ही अच्छा होता है, इसीलिए जब भी मेरा रियाज खत्म हो जाता है तो फिर मैं बातें कर लेती हूँ, जब मेरी बातें खत्म हो जाती हैं तो फिर मैं रियाज कर लेती हूँ।
कैप्टन्स को क्या लगता है? कैप्टन हिमेश जी, पहले आप बताइए, आपको क्या लगा इस परफॉर्मेंस के बारे में? अच्छा गाया, थैंक यू सर। बाकी आतिफ साहब और जूरी बताएगी, बहुत अच्छा सर। आप भी थोड़ी सी तारीफ करें। हमेशा ही तारीफ करता हूँ, बहुत अच्छे। थैंक यू सर, क्योंकि आपकी तारीफ हमारे लिए बहुत बहुत मायने रखती है। मैं तो ऑलवेज बेटा सिर्फ तारीफ ही करता हूँ, मैं तो नेगेटिव पॉइंट्स निकालता ही नहीं। प्रिंसेस, इट वॉज अ ब्यूटिफुल परफॉर्मेंस, थैंक यू। और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो मंच है ये ऐसी ही परफॉर्मेंसेस के लिए है। बहुत मुश्किल गाना था और जो एक्सप्रेशन थे जहाँ पे वो थोड़ी सी हंसी थी, आई डोंट थिंक सो, वो मैच तो बिल्कुल नहीं कर सकते, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, वो तो पॉसिबल नहीं है। जो शोखी उनमें है वो किसी और में कहा। बाकी बड़े लोग बताएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत अच्छा गाया। एक ही जगह जो मैंने कही थी, ये है रे, बस वही कभी थी, वो अकेली अकेली आप ही हैं। सारा जी मैम, वेल डन, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा गाया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या अच्छा गाया आपने, सुभान अल्लाह। मुझे लगता है जीरो देना बहुत अच्छा है इसके लिए। ये हमेशा मेरे पीछे छुप जाता है, पीछे पीछे छुप जाओ। रीना जी, मैं तो वन दूं, ताकि मैं खुद ही लगा लेती हूँ, क्योंकि वन के साथ तो मुझे पता है। जैन, थैंक यू सो मच। आबिदा जी, थैंक यू, 10 points, 10, 10, 10, सारा। ओके, कैप्टन हिमेश जी, सारा की टक्कर में इंडियन कंटेस्टेंट कौन होगा? राजकुमार अमन त्रिका। लास्ट परफॉर्मेंस में मुझे जैसे 000 मिले थे, मैं खाना नहीं खा सका, इतनी निराशा, इतनी बेबसी मैंने कभी महसूस नहीं की। आज आप 3 से 4 जगहों पे सुर से हिले, बिल्कुल एनर्जी नहीं थी गाने में। मुझे बहुत उम्मीद थी लेकिन काफी जगह पे सुर गया। आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस। आज की मेरी जो खुद की पर्सनल परफॉर्मेंस है, मैं चाहूँगा कि जो लास्ट परफॉर्मेंस के मुझे मार्क्स मिले थे उससे बेहतर हो, और आई विल गिव माय बेस्ट टू इट। यार फरीदाउत की बसना जिथे यार नजर ना आवे, आवे रिकॉर्डेड परफॉर्मेंस, इट्स लाइक अ रिकॉर्डिंग, इट इज आउटस्टैंडिंग। हजारों ख्वाहिशें ऐसी के हर ख्वाहिश पे तो निकले, बहुत निकले मेरे अरमान। I have only one word to say, लाजवाब। प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से। तो सुर में तो बहुत हिला हुआ था। कितनी दफा? अगर गिनने चले ना तो गिनती भूल जाओगे, इसके इतने सुर हिले हुए। आज एलिमिनेशन का एपिसोड है और कोई फाइनलिस्ट चेयर में जाएगा और कोई एक कंटेस्टेंट एलिमिनेट होगा। क्या आपके पास है वो शब्द जो मिटा सके दिलों के बीच खींची सरहदों की लकीरें? अमन की आशा सुर क्षेत्र कॉन्टेस्ट,
हमें भेजिए एक स्लोगन जो बताए किस तरह दो जुदा देशों को आप और हम करीब लाए। अपना स्लोगन भेजने के लिए SMS करें AKA स्पेस अपना स्लोगन और भेजें 56882 पर या लॉग ऑन करें colors.in.com/surkshetra पर। बेस्ट स्लोगन आपको दिला सकता है दुबई जाकर सुर्खक्षेत्र का ग्रैंड फिनाले देखने का मौका। तो जल्दी भेजिए अपना स्लोगन और शब्दों से मिटाइए सरहदों की लकीरें। अमन की आशा सुर्खक्षेत्र कॉन्टेस्ट। सतरंगी रे तू ही तू मन रंगी रे तू ही तू सतरंगी रे तू ही तू मन रंगी रे दिल का साया हम साया सतरंगी रे मन रंगी रे कोई नूर है तू क्यों दूर है तू जब पास है तू एहसास है तू कोई ख्वाब है या परछाई है सतरंगी रे मन रंगी रे इस बार बता मुझोर हवा ठहरेगी कहाँ परफॉर्मेंस वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स बहुत मजा आया कैप्टन्स कैप्टन आतिफ इट वाज अ वंडरफुल परफॉर्मेंस सिर्फ एक जगह हिले थे वो आपको भी पता है लेकिन मुझे बहुत मजा आया आई एंजॉयड द परफॉर्मेंस थ्रूआउट कमाल गाया लाइव में इस किस्म का परफॉर्मेंस देना आउटस्टैंडिंग और दुनिया से बहुत दाद मिलेगी तुम्हें बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच सर इससे पहले जो आपने गाया था उसमें कभी कभी कुछ ना कुछ हुआ था लेकिन आज बहुत ही अच्छा गाया आपने बहुत शुक्रिया शुक्रिया आशा थैंक यू आशा जी थैंक यू मैम थैंक यू इट मींस अ लॉट टू मी थैंक यू अमन यू वर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक बहुत अच्छा गाया आपने इतना मुश्किल गाना स्टेज पे लाइव गाना बहुत मुश्किल बात है बयान से ऊपर है बस
शुक्रिया। लफ्ज नहीं है कि मैं कैसे आपकी तारीफ करूं। आशा जी ने 10, रूना जी ने 10 दे दिया है आपको। थैंक यू मैम। अमिता जी ने भी 10 पॉइंट्स दे दिया है। हम बहुत बेताब थे 10 पॉइंट्स देने के लिए। थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड जूरी। आई एम सो ऑनर्ड टू स्टैंड बी स्टैंडिंग हियर एंड बी सीइंग दिस whole scene. I'm so fortunate. Thanks a lot. Now the current score is India 480 and Team Pakistan at 510. Captain Atif, hamara next performer kaun hoga Team Pakistan se? Main bulana chahunga Nabeel Shaukat Ali ko. Main Pakistani Jabaz Nabeel. Sur Kshetr ke is manch pe main apne liye nahi balki apne mulk ke liye gaya hoon. Aur main ye trophy jeet kar apne mulk ke liye gaya hoon. ऐसा लगा तुमसे मिल के अरमा हुए पूरे दिल के तुमसे मिल के ऐसा लगा तुमसे मिल के अरमा हुए पूरे दिल के ऐ मेरी जान वफा तेरी मेरी मेरी तेरी एक जान है साथ तेरे रहेंगे सदा तुमसे न होंगे जुदा तुमसे मिलके ऐसा लगा तुमसे मिलके अरमा हुए पूरे दिल रात दिन बस तेरा ही इंतजार तेरे बिना आता नहीं एक पल मुझे अब करार हमदम मेरा मिल गया हम तुम ना होंगे जुदा तुमसे मिल तुमसे मिल के अरमा हुए पूरे दिल के ऐ मेरी जाने वफा। वाह नबी मजा आ गया। थैंक यू। कैप्टन हिमेश जी पहले आपसे जानना चाहेंगे। आई एम लाइकिंग हिम। इससे पहले उसने अच्छा गाया था जो स्ट्रेट वन गो में कमाल लगा था मुझे आज भी मुझे अच्छा लगा गुड थैंक यू वेरी मच गुड थैंक यू सर थैंक यू कैप्टन हिमेश जी कैप्टन आतिफ इट वाज नॉट जस्ट वेरी गुड इट वाज एक्सीलेंट और लग रहा था कि तुम वाकई किसी से मिल रहे हो इन्होंने बहुत ही अच्छा गाया है और इतनी बड़ी हस्ती का गाना गाना कोई मजाक तो नहीं है बिल्कुल उसमें झूम रहे थे बस उस गाने में झूम रहे थे बहुत शुक्रिया थैंक यू आबिदा जी रूना जी एक आध जगह जरा आप गिर गए थे सुर से हट के थे थोड़ा पर कुछ मुर्कियाँ आपने ऐसी अच्छी ली हैं कि बस मैं तो आपकी फैन हो गई हूँ रूना जी थैंक यू रूना जी आशा जी कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा आपने गाया अभी आपकी आवाज़ भी अलग है और सभी अलग अलग अपने अपनी पहचान दिखा रहे हैं अलग अलग बहुत अच्छा लगा नबील बहुत इंतज़ार कर लिया और जूरी ने भी बहुत ही अच्छा आपको प्रेज़ दिया आप देखते हैं मार्क्स क्या है आबिदा जी अरे
थैंक यू 10 पॉइंट्स मैं मुझे भूल गई आप बीच में वो सीधा उस पे चली गई नहीं यहाँ देख नहीं रही मैं वहाँ देख रही हूँ मैं नहीं ये ऐसे नहीं होगा ये मुझे नहीं अच्छा लगा यही पकड़ लिया लेकिन पहले तुम्हें मिली है अब मेरी बारी है आशा जी मैं और देना चाहती हूँ लेकिन नहीं दे सकती थैंक यू आशा जी थैंक यू आशा जी बहुत शुक्रिया थैंक यू गुड लक फॉर योर नेक्स्ट परफॉर्मेंस थैंक यू सर आज एलिमिनेशन का एपिसोड है यानी किसी एक टीम से कंटेस्टेंट एलिमिनेट होगा तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप कैप्टन कोई भी एलिमिनेट होगा चाहे वो पाकिस्तानी टीम से या इंडियन टीम से मेरी यही गुजारिश होगी कि प्लीज़ उसको ये मत समझे कि ये आखिरी स्टेज है एलिमिनेशन तो हर चार एपिसोड में होगा जी तो काफ़ी सुरों की मुठभेड़ यहाँ पर होने वाली है तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है मार्क्स बढ़ाने के लिए और कौन से कंटेस्टेंट्स को बुला सकते हैं यहाँ पर शिकारी यशराज कपिल मैं हिंदुस्तानी सुरंदाज यशराज मैं सबसे पहले मुंबई ऑडिशंस में सेलेक्ट हुआ फिर मुंबई मेगा ऑडिशंस उसके बाद टॉप 10 और अब टॉप 6 सुर क्षेत्र में इसी तरह आगे बढ़ने के लिए मैं कोई कसर बाकी नहीं हजारों ख्वाहिशें ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले हजारों ख्वाहिशें ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले हजारों ख्वाहिश ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले हजारों ख्वाहिश मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का उसी को देख के जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले उसी को देख के जी जिस काफिर पे दम निकले हजारों ख्वाहिशें ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले हजारों ख्वाहिशें ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले हजारों भर के जुनू आवाज में अपनी तू बन Only one word to say, lajawab. क्या कहना चाहेंगे आप रूना जी से कहिए कुछ? I'm speechless right now. Outstanding ये उम्र ये अंदाज बस मुझे लग रहा है कि इस वक्त हिंदुस्तान की तरफ से ऑडियंस का शुक्रिया अदा कीजिए और जाकर अपने बुजुर्गों के पैर छुइए आतिफ साहब के पैर बहुत सही कहा हिमेश जी भर के जुनू आवाज में अपनी तू बन हिस्टोरिक इट वाज हिस्टोरिक यस इट इज डेफिनेटली
ये मैंने धुन बनाई थी भैरवी में. अरे पाव नहीं, लुत्फ है. सिर्फ एक जप्पी. आपको दाद देना चाहती हूँ, आपने बहुत ही अच्छा बजाया. सुभान अल्लाह सुभान, बहुत अच्छा बजाया. और जिस तरह इन्होंने गाया है बेमिसाल है, बेमिसाल है. इमोशनल हो गया यशराज. मैं एक्चुअली अपने फर्स्ट परफॉर्मेंस से ये कोशिश कर रहा था कि जितना आई डोंट नो. बात कीजिए. मेरे पास वर्ड्स नहीं हैं. आपने जितना अप्रिसिएशन मुझे दिया है मेरे पास उसके लिए कोई वर्ड्स नहीं हैं. मैं बहुत छोटा हूँ और मैं आबिदा जी से ये कहना चाहता था कि आपके सामने मैंने ये गज़ल गाने की ज़रूरत की, तो मुझसे कोई भी भूल हुई हो तो प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा. भूल है ही नहीं. आतिफ सर, आई वुड लाइक टू शेयर इट विद यू. हमारी पाकिस्तानी टीम के जो वोकल कोच हैं रुस्तम जी, उन्होंने मेरी बहुत मदद की है इसके वा, लिए वा, अरे वाह, तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा. क्या जज्बा है. थैंक यू सर. थैंक यू. क्या बात है. और आपको भी क्रेडिट जाता है कि आपने एक उस्ताद को अप्रिशिएट किया है. इसी तरह से आप बड़ों की इज्जत करते रहेंगे तो हर इंसान के दिल में आप जगह बना लेंगे. और वो जो है ना, वो इस बात को देख रहा है, इस चीज़ को देख रहा है, आपकी नेकियां लिख रहा है. ऑल द वेरी बेस्ट. मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी परफॉर्मेंस. थैंक यू. थैंक यू कैप्टन आतिफ. आपके गाने में, आपके हरकतें लेने में मुझे गुलाम अली जी की याद आ रही थी. मुझे बहुत अच्छा लगा आपका गाना. तो मैं 10 पॉइंट्स. थैंक यू. थैंक यू आशा जी. रूना जी ने भी 10 पॉइंट्स दे दिया. यशराज, अभिदा जी 10 पॉइंट्स. थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड जूरी. कैप्टन हिमेश जी, आई थिंक पॉइंट्स तो बढ़ते जा रहे हैं. प्रेशर बिल्कुल नहीं होगा. मैंने कहा ना, आज मैं पॉइंट्स देख ही नहीं रहा हूँ. आज ये गा रहे हैं और हम सुन रहे हैं, बस बात खत्म. बहुत सही कहा. थैंक यू कैप्टन हिमेश जी. थैंक यू. गुड लक फॉर नेक्स्ट परफॉर्मेंस. तो कैप्टन आतिफ, कौन होगा यशराज को टक्कर देने वाला टीम पाकिस्तान से? मैं बुलाना चाहूंगा मुलाजिम हुसैन को. सिंगिंग के अलावा मैं कीबोर्ड और हारमोनियम भी प्ले करता हूं और यही मेरी रोजी का जरिया है. मैं ये सब छोड़ के यहां पे आया हूं और इंशाल्लाह मैं अपने मुल्क को जरूर जिताऊंगा. कभी तो करीब कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो करीब आओ. जो नहीं कहा है कभी तो समझ भी जाओ. हम भी तो है तुम्हारे दीवाने हो दीवाने. हिमेश जी, पहले आप बताइए आपको इनका परफॉर्मेंस कैसा लगा? मुझे इनकी आवाज़ हमेशा ही बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आज सुर बहुत हिले हुए थे. मैं ये कहना चाहूँगा कि इस परफॉर्मेंस को जजेस की तरफ लेके चलते हैं.
जब उनको कुछ कहना ना हो वो हमारे ऊपर फेंक देते हैं, सच नहीं बोलते। वो पांच दफा उन्होंने कुछ नहीं कहा और उन्होंने आप पे डाल दी, मेरा तो फिर भी पहली दफा है। पाकिस्तान की नजाकत है। तो वाकई तो बहुत बार जोर हिला था आपका, तो इससे पहले तीन एपिसोड्स में मैंने आपको 10 मार्क्स दिए थे, लेकिन आज कुछ जमा नहीं। आखिर में जाके जो जब वाइंड अप हुआ है तब इनका सुर जम के लगा है, मगर थोड़े से उखड़े ही रहे हैं। जीरो। यही कहना चाहूंगा कि आने वाले एपिसोड्स में मेहनत करो और ठीक तरीके से जो गाना दिया जाए उसको निभाओ, ठीक है? कैप्टन हिमेश जी, मैं बुलाना चाहूंगा दिलजान को। मैं हिंदुस्तानी सूरंदाज दिलजान। मैंने बचपन से ही क्रांतिकारियों की कहानियां सुनी हैं कि वो अपने देश के लिए कैसे लड़े थे, और मैं भी अपने देश के लिए गाकर उनमें अपना नाम शामिल करवाना चाहता हूँ। मेरे दिल विचों उठ दिए हो, मेरे दिल विचों उठ दिए हो, मैया मैनू याद आमदा सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक, मैया मैनू याद आमदा सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक, मैया मैनू याद आमदा सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक। माहियां भी गाते खुशियां मनावांगी मनावांगी, पोते रावां विच पलकां बिछावांगी बिछावांगी, दुख डांडे ने ते जिंदड़ी मलू दुख डांडे ने ते जिंदड़ी मलूक, माइया मैनू याद आमदा सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक, माइया मैनू याद आमदा चरखे दी मिठी मिठी कूक। तेरी याद आया तेरी याद आया तेरी याद ਉੱਚੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਸਬਜ ਖਜੂਰਾਂ ਪੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਵੇ ਜਿਸ ਦਮ ਨਾਲੇ ਸਾਂਝ ਸਾਡੀ ਉਹ ਦਮ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਗਲੀਆਂ ਸੁੰਝ ਉਜਾੜ ਗਲੀਆਂ ਸੁੰਝ ਉਜਾੜ ਦਿਸਣ ਸਾਨੂੰ ਵੇੜਾ ਵੱਡ ਵੱਡ ਖਾਵੇ, ਯਾਰ ਫਰੀਦਾ ਉੱਤੇ ਕੀ ਵਸਣਾ ਯਾਰ ਫਰੀਦਾ ਉੱਤੇ ਕੀ ਵਸਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਯਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਆਵੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਆਇਆ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਆਇਆ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਆਇਆ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਆਇਆ ਉਹ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਆਇਆ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਆਇਆ ਲੈ performance, it's like a recording, it is outstanding, standing ovation captain se Asha ji se Runa ji se bahut badi baat hai, congratulations Diljan, sach bolti hu ke mujhe bahut vishwas tha tumhare upar bahut vishwas tha ke kuch karoge,
और मेरे मन में आ रहा था कि कुछ करोगे वैसे। वाह आशा जी, कैप्टन्स, कैप्टन आतिफ, एनी हीट आपको लग रहा है कि ये परफॉर्मेंस? मुझे लगा है कि आपका गला थोड़ा सा थका हुआ है और थोड़े से स्क्रैचेस भी आ रहे थे, और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि शुरू में जिस वक्त आपने गाना शुरू किया तो टेम्पो का भी मसला था। उसके अलावा अदर देन दैट, जब आपने यार जो फरीद साहब की बात की, यार फरीद ओथे की वसना जिथे यार नज़र ना आवे, जहाँ पे वो यार नज़र था ना वो हिला था, आप जानते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। बिल्कुल रिस्पेक्टेड जूरी, आशा जी 10 पॉइंट्स, रुना जी 10 पॉइंट्स, थैंक यू रुना जी, आबिदा जी 10 पॉइंट्स, यानी स्कोर इवन हो गया है, टीम इंडिया टीम पाकिस्तान दोनों का स्कोर 540 है। यादगार परफॉर्मेंस, यादगार, आउटस्टैंडिंग, ये बहुत कमाल, बहुत डिफिकल्ट गाना, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। डेफिनेटली हिमेश जी, कैप्टन आतिफ, ये आई थिंक टीम पाकिस्तान का आखिरी परफॉर्मेंस है। मैं बुलाना चाहूंगा अमीर अली को। मैं अमीर अली, पाकिस्तानी जाबाज, मैंने जिंदगी को बहुत करीब से देखा, कभी वेटर बना तो कभी सेल्समैन, और फिर इस मकाम तक पहुंचा हूं। अपने देश के लिए ये मोर्चा आखिर तक नहीं छोड़ूंगा। प्यार करने वाले प्यार करते हैं, शान से जीते हैं, शान से मरते हैं, शान से प्यार करने वाले प्यार करते हैं, शान से जीते हैं, शान से मरते हैं, शान से। किसी का जो नाम उन पे हजारों सलाम, कभी रुकते नहीं कभी झुकते नहीं, चाहे कुछ भी हो अंजाम। हो लेते हैं किसी का जो नाम उन पे हजारों सलाम, कभी रुकते नहीं कभी झुकते नहीं, चाहे कुछ भी हो अंजाम। प्यार की गली से गुजरते हैं, शान से जीते हैं, शान से मरते हैं, शान से। प्यार करने वाले प्यार करते हैं, शान से जीते हैं, शान से मरते हैं, शान से। Three cheers for Pakistani musical band. Okay, captains. अमीर का परफॉर्मेंस बहुत मज़ेदार था, लेकिन यहाँ पर अगर इनको 30 पॉइंट मिल गए तो पाकिस्तान विल बी इन द लीड, आपको क्या लगता है? जो भी जूरी डिसाइड करेगी हमारे लिए ओके है, लेकिन मुझे सुर में तो बहुत हिला हुआ था। अरे आवाम, आवाम डिसाइड करेगी, ये जूरी तो डिसाइड करेगी, आवाम डिसाइड जरूर करे, और सुर में, और सुर में पूरा हिला हुआ है, वो तो देख ही रही है। अब वो रिवाइंड करके 3 बार 10 पंडितों से, सुर में तो सभी हिले हैं जनाब। अच्छा तो अब ये आप एक्सेप्ट करते हैं कि सुर में हिला हुआ है, मेरा यही पॉइंट है बस। 15-20 लोग सुर में, तो मैं भी हिला हूं, शायद आप भी हिले। सर
मैंने अभी गाया ही नहीं है और आप क्यों हिले हैं? क्योंकि आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो वो बात क्यों हम लोग कर रहे हैं? बात ये है कि यहाँ पे वो सुर में बहुत ज्यादा हिले, मेरी बात का जवाब और तीन बार छह बार रिवाइंड करके भी देख लेंगे तो वो सुर में हिला हुआ ही लगेगा। अब उसको आप डिफेंड करना चाहते हैं तो कीजिए साहब, जूरी आपके साथ। अरे मैं तो वहां पे छोड़ रहा हूं, जूरी वहां पर है, उनका डिसीजन, और मैं जूरी पे छोड़ूंगा। बिल्कुल, मैं हमेशा ही जूरी पे छोड़ता हूं। आएगी वो तो देख रही है। करेक्ट, एब्सोल्युटली, मैं भी आपकी बात से सहमत हूं कि आवाम बिल्कुल देख के डिसाइड करेगी। मेरा ख्याल है कि रूना जी से पूछ लेते हैं पहले। रूना जी, मुझे बार बार क्यों फंसाते हैं? बीच में जो बैठी है। वैसे सच्ची बात तो ये है कि मुझे भी लगा कि बहुत जगह आप सुर से हट गए थे, कुछ जगह हरकतें भी आपकी सही नहीं लगी थी। एनीवे, बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट टाइम। रूना जी ने जीरो दे दिया है। आमिर, अब मैं क्या करूं? अभिता जी, मैं तो हमेशा 10 में ही सोचती हूं। लेकिन इंद्राणी को सुर में हिलने की वजह से जीरो मिले थे आज, इसी बहुत स्ट्रिक्ट मार्किंग में। कितनी दफा सर, अगर गिनने चले ना तो गिनती भूल जाओगे, इसके इतने सुर हिले हुए हैं। लेकिन मैं कंटेस्टेंट का नहीं बोलना चाहता हूं। गिनती आप समझ, हमें कहां आती है? गिनती तो आपको आती है, हमें थोड़ी आती है। आप क्यों चिढ़ाते रहते हैं उनको? ऐसी बात नहीं है, उनकी अपनी एक आदत है। मैं सिर्फ जब कंटेस्टेंट की तारीफ करनी चाहिए तब करनी चाहिए। कम से कम इसको एक रॉन्ग इम्प्रेशन नहीं हो कि उसने सुर में गाया है, बस मेरा ये पॉइंट है। अभिता जी, आप मार्क्स दे दीजिए। अभिता जी, आप मार्क्स दे दीजिए, रिमार्क्स बेशक मत दीजिए। 10 पॉइंट्स। गाना बहुत मुश्किल है, बड़ा ऊंचा, एंड में बहुत देर तक ऊपर ठहरना, ये बहुत मुश्किल गाना था। वाकई आपका सुर हिला था और मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन सॉरी। आशा जी ने जीरो पॉइंट्स दे दिए। थैंक यू आशा जी, थैंक यू रिस्पेक्टेड जूरी। हमारा आखिरी परफॉर्मेंस है टीम इंडिया से, क्या आपको लगता है कि वो कर पाएगा? विल ही बी इन द लीड आफ्टर दिस, क्योंकि पाकिस्तान 10 पॉइंट्स से आगे है इंडिया से। मेरा तो वीकेस्ट खिलाड़ी है, लेकिन आज शहजाद, हाँ आज वो करेगा। मैं हिंदुस्तानी सुरंदाज शहजाद, सुक्षेत्र के इस मंच में मैं अपने देश के लिए लड़ने आया हूँ और इंशाल्लाह ये जंग मैं जीत कर ही जाऊंगा। साजन प्रीत लगाई के दूर देश मत जा, बसो हमारी नागरी हम मांगे तू खा, बसो हमारी नागरी हम मांगे तू खा। सजना रे तोरे नैन, सजना रे क्यों भीगे तोरे नैन, मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, तू मेरा सुख छे तोरे ने, सजना रे क्यों भीगे तोरे ने, क्यों भीगे तोरे ने, क्यों भीगे तोरे ने। कैप्टन, ये बहुत इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस है आज, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा, टीम पाकिस्तान जो है 550 पे है और टीम इंडिया 540 पे है, तो इनका परफॉर्मेंस डिटरमिन करेगा, जूरी का डिसीजन जो होगा, उनकी मार्किंग्स जो होंगे वो डिसाइड करेगा कौन एलिमिनेट होगा और कौन फाइनलिस्ट चेयर तक पहुंचेगा। सो हाउ आर यू फीलिंग अबाउट दैट कैप्टन्स, इस परफॉर्मेंस के बाद? कुछ जगहें बहुत अच्छी ली, कुछ जगहें गड़बड़ हुई। आवाज़ बहुत क्लीन लग रही थी, एटीट्यूड बहुत अच्छा था, एहसास गाने का उसने अच्छा पकड़ा। कुछ जगहों पर तुम्हारे सुर गए, फैसला जूरी के हाथ कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से वो करते हैं। जैसे अगर पहले किया है तो
Now you just have to just rewind. I think jury knows the best. Captain Atif, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि 15 दफा तो मैंने सुना है कि आप सुर से हिले. नोट सिलेक्शन भले आपकी ठीक होगी लेकिन आप उसको डिलीवर जो है वो सही तरह से नहीं कर पाए. और मैं समझता हूँ कि अगर कंपेयर किया जाए आपकी परफॉर्मेंस और लास्ट परफॉर्मेंस को तो कंपैरेटिवली आपने बहुत दफ़ा सुर छोड़ा है एज़ कम्पेयर टू अमीर अली. कैप्टन हिमेश जी, यू डोंट अग्री विद दिस जो आतिफ जी ने कहा. ओके कैप्टन्स नेवर एग्री. ओके कैप्टन आतिफ, बट आई ऑलवेज एग्री विद हिम. जूरी डिसाइड करेगी यहाँ पर कि स्कोर क्या होगा. तो आशा जी आप प्लीज बताइए. अब वो वक्त आ गया है जिसका मुझे बिल्कुल इंतज़ार नहीं था. आई एम श्योर किसी को भी नहीं था क्योंकि आज एलिमिनेशन का एपिसोड है और कोई फाइनलिस्ट चेयर में जाएगा और कोई एक कंटेस्टेंट एलिमिनेट होगा. ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਫਾੜ ਦੇਣਾ. Welcome back to Philips HD LED TV presents Sur Kshetr, powered by Dabur Amla Hair Oil. Suro ka maidan jahan takrayenge India Pakistan. Jury decide karegi yahan par ki स्कोर क्या होगा. तो आशा जी आप प्लीज बताइए. गाते अच्छा है उन्होंने, जो गाना लिया बड़ा मुश्किल लिया और वाकई सुर बहुत बार हिले आपके. अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन फिर भी सॉरी. थैंक यू आशा जी. आशा जी ने आपको 0 points दिया है यानी पाकिस्तान इज स्टिल इन द लीड. टीम पाकिस्तान के पॉइंट्स अभी भी 550 है और टीम इंडिया के 540. रुना जी आपने बहुत अच्छी कोशिश की इसको गाने की. सुर काफ़ी गए थे, जगह स्लिप हो गई थी काफ़ी. तो मेरी तरफ से भी ओके रूना जी. थैंक यू रूना जी. आबिदा जी सब आप पे डिपेंड होता है कि क्या ये इवन हो जाएगा या. असल में धुन जो है वो बहुत ही उम्दा है और इनके इरादे भी बड़े ज़बरदस्त हैं, इसमें कोई शक नहीं है. मगर सुर से ऊंचे नीचे हुए हैं तो बस मेरी तरफ से भी 0. टीम इंडिया इज एट 540 एंड टीम पाकिस्तान विंस टुडे विद 550 पॉइंट्स. इट मींस कि सुर क्षेत्र के फर्स्ट स्टेप में पाकिस्तान टीम आगे है. कांग्रेचुलेशंस टीम पाकिस्तान एंड कैप्टन आतिफ. इसका मतलब है कि पाकिस्तान टीम से आज कोई फाइनलिस्ट चेयर में जाएगा और टीम इंडिया से कोई एक कंटेस्टेंट एलिमिनेट होगा. थैंक यू सो मच शहजाद, गुड लक फॉर नेक्स्ट टाइम. आपने बहुत कोशिश की मगर आई होप नेक्स्ट टाइम लक आपका साथ. कैप्टन आतिफ प्लीज कम ऑन स्टेज एंड डू द ऑनर्स. मुझे तो वैसे सभी लोग, सभी कंटेस्टेंट्स बहुत पसंद हैं. अफसोस इस बात का है कि कोई अफसोस नहीं है. तो मैं बुलाना चाहूंगा अपनी पाकिस्तानी टीम को स्टेज पे. प्लीज वेलकम पाकिस्तानी जांबाज. ये सुर की जंग है, ये सुर का युद्ध है. मैं पूछना चाहता हूँ आशा जी से कि इनमें से किसको मैं उस कुर्सी पे बिठाऊं. सारा
क्षेत्र में पहली फाइनलिस्ट सारा रजा खान फ्रॉम पाकिस्तान. बात मेंशन जरूर करना चाहूंगा कि सिर्फ अकेली जीत ये कुर्सी के लिए सिर्फ सारा रजा खान की नहीं है, आप सब लोगों की कंट्रीब्यूशन है. आप सब लोगों की कंट्रीब्यूशन ना होती तो शायद वो कुर्सी उनको ना मिलती. और उम्मीद करता हूँ पांचों कुर्सियों पे आप पांच लोग बैठे. थैंक यू टीम पाकिस्तान, कांग्रेचुलेशंस. आज एलिमिनेशन का एपिसोड है और जो टीम इंडिया के पॉइंट्स कम थे उन कंटेस्टेंट्स में से एक एलिमिनेट होगा. तो कैप्टन हिमेश जी प्लीज कम ऑन स्टेज. पहले मैं इन सबको बुलाना चाहूंगा जी, मेरी टीम को जी. एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ माय टीम कि लास्ट मोमेंट तक टाई था जी. सिर्फ 10 मार्क्स से सिर्फ 10 पॉइंट्स और वो 10 पॉइंट्स हमारे शहजाद को नहीं मिल सके. मुझे खुशी होती अगर अबिदा जी जैसे सबको 10 देती हैं मुझे भी 10 देती, लेकिन अफसोस जूरी को हम रिस्पेक्ट करते हैं ऑलवेज, लेकिन पता नहीं शहजाद को वो 10 क्यों नहीं मिले जो सबके साथ वो रियायत होती थी उनकी. बट होता है, एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है जूरी का जिसको आर्ग्यू नहीं करना चाहिए, बट ये मेरी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है. बहुत प्यार से हम शहजाद को आज यहाँ से अलविदा कहते हैं. बस शहजाद, बस अब अपने आप से एक वादा करो कि जब अगली बार इस मैदान में उतरोगे तो सिर्फ जीतोगे. इतना अच्छा गाओगे कि इट विल मेक इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश एवरीवन प्राउड. ओके, बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना. कुछ वजह से मैं नहीं कर पाया तो मुझे दुख नहीं है, कुछ मेरी गलत थी और कुछ नसीब साथ नहीं दे रहे थे. मैं बहुत फेल हुआ, बहुत बहुत ज़्यादा फेल हुआ. मैंने बहुत बचपन से फाइट करते आ रहा हूँ, मैं अब नहीं रहूँगा. बदन में कुछ है ही नहीं, तोर ऐसे भारी भारी लगा रहा है, ऐसा लग रहा तोप से मार रहा है सबको. ये आखिरी अलविदा ना हो. शहजाद, मुझे लगता है कि आप बहुत ही बढ़िया सिंगर है. एक्चुअली ना, आप इसके साथ डेट पे चले जाइए चाय की, इसका ठीक हो जाएगा. इनको अदरक वाली चाय मैं पिला लेती हूं. अल्लाह करेगा कि इनको फतेह होगी इंशाल्लाह और हमेशा खुश रहें. जो आपके पेरेंट्स हैं वो आपको यहाँ देख के अभी बहुत खुश हो रहे होंगे. बिल्कुल, मेरी दुआएं भी आपके साथ हैं. आँखों से कहने दो दुख की नदी चुपचाप बहने. शायद हमारी कोई कमी रह गई होगी तो अगली बार हम कोशिश करेंगे कि ये कमी पूरी करे और जीते. अगली बार जीत हमारी होगी और वो जो कुर्सी है वो हमारी होगी. हार का सामना करने वाला ही जीत का सामना करता है. मैं हार गया तो क्या हुआ, लेकिन इंडिया टीम जरूर जीत जाएगी, इतना मुझे भरोसा है. आज बीकानेर के दिलेर शहजाद एलिमिनेट हो गए टीम इंडिया से और आज सुर क्षेत्र को मिला अपना पहला फाइनलिस्ट और वो है कंसिस्टेंस परफॉर्मेंस देने वाली सारा रजा खान. पाकिस्तान जश्न में डूबा है, हिंदुस्तान तैयारियों में और मैं इस सोच में डूबी हूँ कि हिंदुस्तान का काउंटर अटैक कितना खतरनाक होगा. कल शुरू होगा एक नया दौर और एक नए फाइनलिस्ट की तलाश. टिल देन, गुड नाइट, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज. एक एक पल दिल गिन के गुजारदा, आजा परदेसिया ए वास्ताई प्यार दा, आजा तिनो मैं की क्या सी तेनु तुसी क्या सी ये गाना ता तू फाड़ देना. सुरक्षेत्र हर शनिवार और रविवार शाम 7:30 बजे. अमन की आशा सुरक्षेत्र कॉन्टेस्ट में आज का स्लोगन है सुरक्षेत्र के सुरंदाज तुम, गीतों का खजाना, मिटाए जो सरहदे ऐसा सुर लगाना.
अमन की आशा सुर्ख क्षेत्र कॉन्टेस्ट।